असल मैं वैदर अजर और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स लाउंज प्रेजेंटेड बाय कोक आईसीसी सी ट्वेंटी वर्ल्ड कप 2022 ट्वेंटी टू की खसूस ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुश आमदीद हम आज बात करेंगे जो आज मैच खेला जाएगा न्यूजीलैंड वर्सेस श्रीलंका उस पर नज़र डालेंगे लेकिन वी विल आल्सो टॉक अबाउट पाकिस्तान क्योंकि पाकिस्तान की जो शिकस्त हुई जिम्बाब्वे के हाथों उस पर आज भी बहुत ज़्यादा कॉन्वर्सेशन हो रही है हमने वैसे तो रिव्यू करना था कल के मैचेस का जो ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड था और अफगानिस्तान वर्सेस आयरलैंड था लेकिन वॉश आउट होने की वजह से वी रियली खांट हैव दैट मच ऑफ अ कॉन्वर्सेशन ऑन क्रिकेट लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें मैं इंट्रोडक्शन देता चलूं जी हमारे इन हाउस पैनलिस्ट का हमारे एनालिस्ट का और आज तो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं हक का रिहान क्या हाल है आपका बिल्कुल ठीक है रिहान इससे पहले कि हम आगे चलें और कॉन्वर्सेशन को आगे लेकर चलें मैं उस दिन सोच रहा था कि हमने जमीन डॉट कॉम प्लेयर ऑफ द डे किया था और उस दिन बहुत ज्यादा नॉमिनेशन थी क्योंकि कल का मैच वॉश आउट हो गया तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिल गई टू टॉक अबाउट वन ऑफ माई फेवरेट प्लेयर्स सो आई थॉट आई टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट ऑफ द शो विद जमीन डॉट कॉम प्लेयर ऑफ द डे और मैंने फिर जो लास्ट मैच डे था उसमें बाकी परफॉर्मेंसेस फिर से देखी बट वी हैव टू टॉक अबाउट Virat Kohli. For us, Virat Kohli was the player of the day after obviously we discussed the Raza. I we discussed this conversation because you see how Virat is going, it's as if he has a new lease on life. Yeah, I think we discussed this a lot ke lease off life is a lease on life hai, before going on here. <laughs> but uh, Virat, I think. इसमें हमेशा से कोई डाउट नहीं था कि वो कि किस क्वालिटी का प्लेयर है ठीक है एंड अक्सर लोग पीपल जम्प द गन एंड व्हेन यू हैव दैट गुड अ बैटिंग रिसोर्स अराउंड सम वन और आपको पता है ये बंदा पास में ही कर चुका हुआ है और आई स्ट्रॉन्गली स्ट्रॉगली बिलीव इन लॉ ऑफ एवरेजिज दर इज अ रीज़न इट्स कॉल्ड लॉ बिकॉज इवेंचुअली इफ समन इज दैट गुड ओवर अ लॉन्ग सैम्पल साइज़ और वो फेल होता जा रहा है होता जा रहा है होता जा रहा है तो देर विल कम अ टाइम वेन ही विल कवर फॉर दैट बिकॉज अगर किसी का सक्सेस रेट वन एंड फाइव है और वो दस मैचेज इतना रो फेल हो गया तो एक्सपेक्ट द नेक्स्ट टू मैच टू गो फॉर फॉर दैट परसन टू स्कोर ऑन लेकिन विराट की आपने बात की पिछला वर्ल्ड कप फॉर मी तई सी सी ट्वेंटी ट्वेंटी वर्ल्ड कप वॉज अबाउट टू बॉल्स द टू बॉल्स वर शाहन शाह फ्रीदी टू रोहित शर्मा एंड के एल राहुल टू दिस डे वी आर डिस्कसिंग के उनमें से बेहतर बॉल कौन सी थी फॉर मी दिस वर्ल्ड कप सो फार हैज़ बीन अबाउट विराट कोहली टू शॉट्स जो उसने हारिस रॉफ को स्टेट पर छक्का मारा और उसके बाद उसने फ्लिक पे लेग पे छक्का मारा सो समटाइम्स जस्ट द क्वालिटी एंड जीनियस ऑफ अ प्लेयर इज सो हाई के यू जस्ट हैव टू अपलॉड इट आई नो द लॉट ऑफ पीपल आर टॉकिंग अउटिस को यार करवाना चाहिए था ये वो 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 आई थिंक हम पहले भी इस शो पर डिस्कस कर चुके हैं कि द प्रॉबिलिटी ऑफ द बॉल दैट वेंट फॉर सिक्स डॉन द ग्राउंड क्रिक वज रेडी वाइल्ड ने स्टार्ट निकाला था इट वॉज जीरो पॉइंट जीरो 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 फाइव परसेंट That is how crazy that shot was. That is how crazy that shot was. और विराट कोहली की इस वक्त कॉन्वर्सेशन में इसलिए भी करना चाह रहा हूँ क्योंकि इस वक्त अभी तक इस टूर्नामेंट के जो दो स्टैंड आउट प्लेयर्स आ रहे हैं जो कल को इनकी टीमें अगर सेमीफाइनल में पहुँचती हैं तो दे वुड बी इन क्लेयर रनिंग फॉर प्लेयर ऑफ द टोर्नामेंट वुड बी विराट एंड सिकंदर अजर राइट नाउ

जो ग्रुप वन है वो पहले ही बहुत टाइट था वो और टाइट होता जा रहा है एंड रेहान सबसे पहला जो सवाल लोग पूछ रहे हैं वो ये पूछ रहे हैं कि अगर वेदर फोरकास्ट वगैरह ये थी तो ये वर्ल्ड कप इस वक्त इस सीजन में क्यों मुनद किया गया बिल्कुल द क्वेश्चन आई हैड इज़ कि डिसंबर जनवरी इज द बेस्ट पॉसिबल टाइम केवन पीटसन की ट्वीट भी है हाँ yeah. उसमें मैं सबको ये बताता चलूँ कि ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट इज़ नॉट द नंबर वन स्पोर्ट जिन ग्राउंड्स के ऊपर ये क्रिकेट खेल रहे हैं दे आर प्री बुकड सो उन ग्राउंड की प्री बुकिंग होती है ए एफ एल होती है यहाँ पे और काफ़ी चीज़ें यहाँ पे स्पोर्ट होती है दैट इज वाई दैट इज वाई ड्रॉप इन पिचेज यूज़ होती हैं बिकॉज अदर स्पोर्ट आर प्लेड ड्रॉप इन पिचज इसलिए नहीं यूज़ होती होंगी ड्रॉप इन पिचिज आर यूज बिकॉज देर आर अदर स्पोर्ट्स वेन्यूज आर प्री बुक्ड ठीक है दैन ऑल्सो दी अदर थिंगज के दिसंबर जनवरी के अंदर दे डो नॉट वॉन्ट इट टू क्लैश जो ब्रॉडकास्टर्स हैं देर आर टू मेन ब्रॉडकास्टर्स इन ऑस्ट्रेलिया राइट नाउ ब्रॉडकास्टर्स

लेकिन इवन बिग बैश वगैरह के अंदर भी जब यूज़ हो रहे होंगे तो एक विद विथ ऑस्ट्रेलियन ओपन अगर हो भी रहा हो तो देर बिग बैश फॉर दैम इजेंट एज बिग बिगेस्टलेट्स एन द वर्ल्ड कप ठीक है फेयर इनफ uh, चले रिहान अब थोड़ी सी कॉन्वर्सेशन करते हैं आज के मैच की आज मैच खेला जाएगा बिटवीन श्रीलंका एंड न्यूजीलैंड दिस इज अ क्रूशल गेम इन ग्रुप वन क्योंकि इस वक्त श्रीलंका इज वेरी वेल पॉइज टू बेसिकली स्टेक अ क्लेम फॉर द सेमीफाइनल जहाँ पर जब सारे प्रीव्यूज हो रहे थे वहाँ पर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को फेवरेट करार दिया जा रहा था इस ग्रुप से आगे पहुंचने के लिए वहां पर पहले ऑस्ट्रेलिया लॉस टू न्यूजीलैंड एंड देन द अपसेट ऑफ इंग्लैंड एट दी हैंड्स ऑफ आयरलैंड प्लस ऑब्वियसली ये जो बारिश की सारे जो सूरत हाल चल रही है उसके बाद श्रीलंका है इज नाउ इन अ वेरी वेरी गुड पोजिशन इफ दे बीट न्यूजीलैंड टूडे देन आई बिलीव देअर चांद फाइंग Would be in excess of 40% out of the remaining yes. teams. And if New Zealand win, they're pretty much secure. They're then they're, they're secure. Yeah. Almost secure. <laughs> Funny thing is, Afghanistan have two points without winning a single game. So yeah. the group is really, really tight. And without playing a single game properly. Yeah, they lost to England now. So that was a complete match thik. yeah that was a complete match the marks very blank out yeah the interesting thing here is ke, uh, i was checking up on no results in previous world t20s uh, this tournament which the sorry tournament ke combined no results are equal to this tournament ke already no results so i mean four i think four or five matches have been rained out washed out we have had a, a rain shortened match as well rain is playing an important part but प्लीज उससे ये मत सोचें कि वर्ल्ड कप एंटरटेनिंग नहीं हुआ बिकॉज वेस्ट इंडीज वर अपसेट बाई टू टीम्स हैव बीटन पाकिस्तान आयरलैंड हैव बीटन इंग्लैंड द श्रीलंका लाइक बिबिया द अमाउंट ऑफ अपसेट इन दिस टूर्नामेंट आई डोट नॉट थिंक आई हैव सीन इन एनी अदर वर्ल्ड इवेंट बिफोर दिस इन क्रिकेट एटलीस्ट सो यस प्ले इन इज प्लेंग पार्ट बट आई हैव दिजल्ट उसमें बारिश का कोई लेना देना नहीं था जस्ट जस्ट द शेयर ऑफ सम ऑफ द सम्स makes this tournament even more interesting. Who do you fancy in the game uh, between these two? New Zealand. New Zealand. Zealand. आप तो चाहते हो हार जाए मैं तो क्या नाम है इस वक्त कुछ भी नहीं चाहता मैं तो किसी का बुरा नहीं चाहता मैं शायद यही सोच रहा हूँ कि अगर मैं किसी का बुरा नहीं चाहूँगा तो शायद कारमा माइट वर्क इन आर फेवर एंड वी मे एंड अप क्वालिफाइंग उस पर भी अगले सेगमेंट में जब हम बात करेंगे तो वील टॉक मोर अबाउट पाकिस्तान और आपके ट्वीट्स इतने ज़्यादा आए हुए हैं तो वी विल डेडिकेट द इंटायर सेगमेंट टू द ट्वीट्स लेकिन यहाँ पर इस वक्त सबसे बड़ी जो बात आ रही है श्रीलंका की तरफ से या जो एक से कि एक कॉशन आ रहा है किसी के ऊपर इट इज़ बी इट इज़ बीन ओवर वन इंदू हसरंगा क्योंकि जो श्रीलंका है वो श्रीलंका के जिस तरह हम इस वक्त एक्सपेक्ट करते हैं शादाब खान से कि वो हमें मिडल ओवर में कंट्रोल देंगे आ, या मिडल ओवर में रिस्ट्रिक्ट करेंगे वही काम हसारंगा uh, से एक्सपेक्ट रिहान कल बहुत बड़ा दिन है पाकिस्तान के लिए इट्स अ वेरी वेरी बिग डे बिकॉज ग्रुप टू का की सारी पिक्चर क्लियर हो जानी है आपको पता चल जाना है आपके हाथ में कितना कुछ है कितना कुछ नहीं है फ़ॉर एग्ज़ाम्पल कल जिम्बाबे बांग्लादेश के मैच में अगर बांग्लादेश जीत जाता है तो पाकिस्तान विल फील दैट दे स्टिल हैव दे डेस्टनी इन देर ओन हैंड्स सिमिलरली अगर न्यूजीलैंड सॉरी साउथ अफ्रीका इंडिया से हार जाता है तो पाकिस्तान विल अगेन फील दैट दे हैव द डेस्टनी इन देयर हैंड्स सो टुमोरोज डे इज़ सिग्निफिकेंटली ह्यूज कल जब हम अपना प्रोग्राम करेंगे वो इफेक्टिवली आपके लिए एक प्री मैच होगा क्योंकि हमारा टाइम विल बी राइट बिफोर द मैच स्टार्ट सो कल का शो हमारा जरूर देखिएगा बट विद दैट इन माइंड से बांग्लादेश नीड्स टू बीट जिम्बे पाकिस्तान नीड्स टू बी बीट नैदरलैंड्स इंडिया नीड्स टू बीट साउथ अफ्रीका अगर ये तीनों रिजल्ट आपके फेवर में चले गए तो पाकिस्तान हैज़ द डेस्टनी इन देर ओन हैंड्स उसके बाद पाकिस्तान नीड्स टू विन ऑल दर मैचेज टू कॉलीफाई एबसोलूटली और इन शी उम्मीद यही है कि द रिजल्ट टर्न आउट टू बी इन पाकिस्तान आई मीन आई एम एन रिटर्न ऑप्टोमिस्ट अच्छा hmm. चलते हैं जी ट्वीट की तरफ लेट्स ट्वीट आज हमारे पास बहुत ज़्यादा ट्वीट हैं सो लेट्स लेट्स अगेन अदनान शाहिद वो कह रहे हैं कि फील्डिंग बहुत बड़ा इशू है इतने अरसे एक फील्डिंग कोच लाने से यह मसला सही हो जाएगा और हमें क्या उन खिलाड़ियों को ड्रॉप करने की जरूरत है जो अच्छे फील्डर्स नहीं हैं अदनान में वैसे एक बात यह भी कहूं हमने अपने शो में पहले भी वाली बात की थी पाकिस्तान डज हैव अ फील्डिंग कोच ओके आई विल आस्क रिहान इफ ही रिमेम्बर दैट आई मीन Please, I'm not taking anything away no, from him. No, no, he's I'm a very, He's a very hardworking guy. I don't know if you're arrogant lagi That's not my intention here. I ha -ha. honestly don't know. We don't honestly I don't know. I honestly don't know. Matlab, we've inter I've interacted with him. He's, he's a good, hardworking guy. Lekin the problem is that if over the last one and a half years, you have never heard anything about individual Kaya, mistakes may, ho sakta. or systematic dekin, nahin mistakes. Nahin ho, ये मैं आपको एक बात बताता हूँ अक्सर लोग हमसे भी पूछते हैं कि पी का एक महीना होता है आपने प्लेनों को ये क्यों नहीं करवाया ये कोच के लिए भी अनफेयर है कि वो एक महीने के लिए टीम के साथ आता है एक महीने के अंदर कोई भी दुनिया का कोच किसी भी प्लेयर की ना टेक्निक चेंज करा सकता है फील्डिंग की ना बैटिंग की ना बॉलिंग की कुछ भी नहीं चेंज हो सकता वो जो एक महीना है उसमें टाइम नहीं होता तो आपने ऑफ सीज़न में इन चीज़ों पर काम करना होता है और आपको एक परमानेंट नेशनल टीम के साथ जो आपके तीस से पैंतीस सेंट्रली से कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स हैं दो से तीन ऐसे कोचेस चाहिए जो फील्डिंग और परफॉर्मेंस इन्हसमेंट के ऊपर काम करें पाकिस्तान में ऐसे लोग मौजूद हैं अभी जो पाकिस्तान की अंडर 19 की आ, वो कोचिंग स्टाफ बना है अगर आप उनको ही यूज़ कर लेना तो यू विल सी द रिजल्ट्स। अच्छा वैसे मैं एक और यहाँ पे क्लैरिफिकेशन देता चलो पाकिस्तान के फील्डिंग कोच अब्दुल मजीद इज विद द टीम थ्रू आउट द ईयर नो बट वट आई एम सेंग इज वट है विद द सेंट्रली कॉन्ट्रेक्टेड प्लेयर वट सीजन अगर वो थ्रू आउट द ईयर है हाउ मनी ड्रिल्स आर दे डूइंग डू दे हैव एनी डेटा कलेक्टेड फ्राम इट डेटा कलेक्शन से प्लीज ये स्टार्ट मर्चेंट है ये है वो है डेटा कलेक्शन से मतलब ये है कि अगर एक बंदा फील्डिंग ड्रिल्स कर रहा है उसने दिन में सौ कैचेस पकड़े हैं तो आपको हर रोज लिखना चाहिए कि इसने इतने नंबर ऑफ कैचेस पकड़े हैं नेक्स्ट डे यू सी अगर उससे ज्यादा इंप्रूवमेंट हुई है कि नहीं नहीं हुई इंप्रूवमेंट तो आपने किस तरह बेहतर करनी है यू हैव टू कलेक्ट डेटा फॉर दीज थिंग्स ठीक हो गया चलते जी अगले ट्वीट की तरफ लेट्स गो टू द नेक्स्ट ट्वीट ऑन द स्क्रीन अली असद पूछ रहे हैं क्या क्या एक कप्तान को अपने बॉलर्स को अंडर द ब्रस्ट बस थ्रो करना चाहिए जो टाइम एंड अगेन हो रहा है व्हेन दे कंसिस्टेंटली बोल वेल दिस इज दिस क्वेश्चन इज प्रॉब्ली कमिंग फ्रॉम द फैक्ट के uh, uh, जब आई थिंक बाबर की जब पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस थी था उसमें उसने कहा कि हमने तो कभी भी किसी भी कप्तान को किसी भी इंडिविजुअल को या एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस या पब्लिकली ये नहीं कहना चाहिए कि उसका कसूर था ड्रेसिंग रूम में आए प्लीज है Sometimes. लेकिन ये क्वेश्चन एक पता है रेहान आ जाता है ये क्वेश्चन उठता है कि क्या आपको पब्लिकली मीडिया में क्या बात करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए क्योंकि मेरे नज़दीक फिर ये होता है कि आप आ, आपके फिर बिल्कुल एक कुछ स्टेपल रिस्पॉन्स बन जाते हैं जिन पर ही आपको रिलाय करना पड़ता है आई नो वो फिर मीम कॉन्टेंट बन जाता है फॉर एग्जाम्पल चाहे वो द बॉयज प्लेड वेल हो या डेफिनेटली yeah. का वर्ड हो या, या का निज़ाम हो या कुदरत का निज़ाम हो बट मैं ये कह रहा हूँ कि जहाँ तक

Uh, अगर आप उनसे डायरेक्ट वन ऑन वन कॉन्वर्जेशन करेंगे दे विल लिसन टू यू ठीक है बिकॉज आप दिस इज़ द सेम एज थिंक ऑफ यूर सेल्फ वर्किंग इन एनी फील्ड यू वर्क अगर आपको सबके सामने एक चीज कही जाए आपका हमेशा नेगेटिव रिएक्शन होगा अगर वही आपके साथ वन ऑन वन ऑनेस्ट कॉन्वर्जेशन हो तो आपका शायद डिफरेंट रिएक्शन होगा अच्छा मैं कहा था गोइंग बैक टू द ड्रॉइंग बोर्ड कहना था ड्राॅइंग रूम मैंने बना दिया सो आई आई फॉर दैट चलते जी अगले ट्वीट की तरफ लेट्स गो टू द नेक्स्ट ट्वीट Uh, विजय ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या इमाम हक जो इतना अच्छा खेलते रहे रिसेंटली एज एन ओपनर उन्हें नहीं यूज़ करना चाहिए था वो 40 से 80 रन रेगुलर बेसिस पे करते हैं व्हाई नॉट हैव हिम इन दिलेवन होज़ अ स्पेशलिस्ट ओपनर राधा दैन बाबर होूज़ अ टॉप ऑर्डर बैटर विजय थोड़ा सा इसके अंदर एक तो ये है कि नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम इमाम हक आई लव हिम एज अ प्लेयर आई ऑनस्टली थिंक इमाम इस्पेली जब आप उनका फिफ्टी ओवर क्रिकेट देखते हैं तो ही इज़ बीन फिनल लेकिन द फैक्ट इज कि हम जहाँ पर आई थिंक स्ट्रगल कर रहे हैं पाकिस्तान जहाँ पर स्ट्रगल कर रहे हैं वो प्राइमारेन यही चलती है कि ओवरलोड लोड ऑफ एंकरी बात है यहाँ पर ये यह accusation नहीं है बट मैं वैसे कह रहा क्या मेरी बात सुने आप मैंने उस पहले भी कहा था कि ग्यारह मोहम्मद रिजवान आपको मैच नहीं जिता सकते ग्यारह शाहीन शाह अफरीदी आपको मैच नहीं जिता सकते ठीक है आपको डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेयर्स इन डिफरेंट टाइप ऑफ पोजिशन चाहिए ठीक है द पॉइंट हेयर इज इमाम हो बाबर हो रजवान हो शान हो फर हो एनी वन पॉइंट इज़ द इशू आपका वही था हम पूरे इस शो के ऊपर पहले डिस्कस करते रहे जिसके ऊपर वी हैव नो नो वन हैज एनी इशू विद बाबर एंड रिजवान दे आर मैच विनर्स नो वन ई सेंग देर नॉट एवरी वन वॉज सेंग बिफोर द वर्ल्ड कप कि भाई प्लीज अगर वर्ल्ड कप में आपके ओपनर्स फेल हो गए आर यू रेडी के ओपनर्स फेल हो गए तो एवरी वन एल्स इज रेडी डिट वी प्रिपेयर फॉर देट

जिस चीज़ के लिए देखें नेशनल टीम जो होती है उसके पास एक बहुत बहुत मेजर लग्जरी होती है टू प्रिपेयर फॉर अ मेजर टूर्नामेंट यू हैव सो मेनी बायलैटरल सीरीज़ कि आपका एक्चुअल मैच प्रैक्टिस सिनेरियोस आप प्रैक्टिस कर सकते हो अगर वो आप नहीं करते प्रैक्टिस देन इट इज़ योर फॉल्ट नो वन एल्स फॉल्ट ठीक है चलते हैं जी अगले सवाल की तरफ लेट्स हैव दिस नेक्स्ट क्वेश्चन जैनब रजवी पूछ रही हैं क्या बाबर की पोजीशन एज कैप्टन विल बी बाबर पोजिशन एज कैप्टन बिकम अनटेनेबल इफ पाकिस्तान फॉर द फाइनल क्या पाकिस्तान को फखर और रिजवान के साथ ओपन करना चाहिए क्या बाबर की अप्रोच मिडल ऑर्डर को पीछे रोक रही है अच्छा रिहान कप्तानी पे पहले पे बात कर लेते हैं इफ़ पाकिस्तान रीच द सेमीफाइनल आई थिंक बाबर वुड हैव बीन ओके इफ पाकिस्तान हैड लॉस्ट टू साउथ अफ्रीका एंड इंडिया जिम्बाब्वे वाली डिफीट विल हर्ट

होता पाकिस्तान में क्या है कि कोई भी वर्ल्ड कप से वापस आता है या कोई टूर से वापस आता है तो कप्तान को अगले दिन पता चलता है कि जी पीछे से तो गेम हो गई है तो कप्तान ही चेंज हो गई है तो उस पर भी वो कप्तान जो है उसको लगता है शायद इस प्लेयर ने मेरे अगेंस्ट कंस्पायर किया हो जरूरी नहीं है कंस्पायर किया हो हो सकता है बोर्ड के चेयरमैन ने या बोर्ड के किसी बंदे ने फोन करके कहा कि यू यू आर आर द कैप्टन टुमारो हु इज गोइंग टू से नो टू कैप्टनसी फॉर पाकिस्तान टेल मी हु हैज़ एवर सेड नो टू इट ठीक है डिड बाबर से नो टू इट वेल इफ यू गो बाय सम

अगर ये सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि कप्तानी पर सवाल उठ जाता है वुड यू रिमूव क्या बाबर फॉर्मेट्स या वुड यू लाइक टू कीप हिम देर वायड इवन इफ देर इज अ क्वेश्चन मार्क बीन रेज दिस कैप्टनसी आई वुड स्टिल लेट हिम कैप्टन इन द लॉन्गर फॉर्मेट्स आई वुड प्र या तो उससे कॉन्फिडेंस में लेकर नहीं आई थिंक है आई फील इट्स बाबर बाबर को आप, आप बाबर से बात करते हैं और आप कहते हैं आप उसको एक फॉर्मेट से निकाल रहे हैं sure say, knowing, like, that, like, some, तो फिर सबसे कर दो मुझे दैट दैट डिपेंड ऑन मेरा तो पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि लॉन्ग टर्म का मतलब दो साल नहीं होता लॉन्ग टर्म का मतलब कम से कम कम से कम इंटरनेशनल क्रिकेट में थ्री टू फोर ईयर्स होना चाहिए तो वट एवर द रिजल्ट आर अगर आपने लॉन्ग टर्म कोई भी चीज़ बोली है अब प्रेसिडेंट्स पर यह सेट होगा कि यार जो भी कप्तान आएगा वो उसको होगा कि यार ओ यार अगर मैच एक हार गए तो उसी वजह से होता है कि हम बायोलेट्रल में एक्सपेरिमेंट नहीं करते क्योंकि कप्तान इज इज ऑलवेज अंडर प्रेशर यार ये मैं निकल मैं निकल निकल जाऊंगा जाऊंगा तो दैट अ प्रॉब्लम हम आपके ट्वीट्स बहुत ज़्यादा आए है। हैं आज शो में तो आज हमने कोशिश यही करें कि ज्यादा से ज़्यादा इंटरेक्टिव रख सकें ज़्यादा से ज़्यादा आपके ट्वीट्स के जवाब दे सकें ट्वीट लेट्स हैव अ ट्वीट ऑन द स्क्रीन और रेहान से फिर पूछते हैं ये अयाज का सवाल है रिहान के आपके नज़दीक नेक्स्ट पंद्रह कौन है जो पाकिस्तान को रिप्रजेंट कर सकते हैं पी एस कोई भी ऐसा नहीं हो सकता जो करंट वर्ल्ड कप स्क्वाड में इंक्लूडेड हो अच्छा मैं यहाँ पर रियाज भाई आपसे एक बात करूँगा कि आम, ये वैसे मजदार चैलेंज ज़रूर है लेकिन ये ना एक बहुत मेजर चीज़ को ओवरलुक कर देता है और वो ये कर देता है कि आपका मजॉरिटी जो इस वक्त पंद्रह या अठारह में है ना वो अंडर द एज ऑफ ट्वेंटी फाइव या अंडर द एज ऑफ ट्वेंटी सिक्स है आ, तो अगली जो आपकी पंद्रह है वो उसमें काफ़ी हद तक यही कोर आपकी पोटेंशियली चल सकती है रेहान वो बात ठीक है अयाज भाई ने जो बात की है वो, वो उसी तरह है पाकिस्तान में ना अक्सर आपको याद होगा टू थाउजेंड में भी हुआ था नाइन्टीस में भी हुआ था कि टीम कोई टूर टूर हार के आती थी या कोई मेजर इवेंट हार के आती थी तो सारी टीम इंक्लूडिंग कप्तान था तो वो किसी चीज़ का हल नहीं है मैं वही बात करता हूँ कि सिस्टमैट वेन वी कीप गोइंग बैक टू फैक्ट कि क्यों मिडल ऑर्डर नहीं चल रहा हमने तो सबको ट्राई कर लिया हमने तो ये भी कर लिया हमने ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के सारे ऑप्शंस एग्जॉस्ट कर लिए तो फिर भी अगर आप सारे ऑप्शंस आपने एग्जॉस्ट कर लिए तो देन सिस्टमैटिक प्रॉब्लम ना देन एड्रेस द सिस्टमैटिक प्रॉब्लम या अभी uh, मैं आउटरेज देख रहा था सम ऑफ दी मोस्ट क्या कहते हैं हाईली क्वालिफाइड पीपल एंड जिनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ वो किस चीज़ को बात कर रहे हैं कि जिम्बावे से पाकिस्तान मैच आ रहा है तो बात क्या हो रही है कि जी सोशल मीडिया यूज़ करते हैं फलाने ड्रामे करते हैं ये करते हैं वो ये करते तो ये तो प, आपका पुराना सोर नहीं ना? मेरा पुराना है लेकिन ये मैं आपको ये भी बताऊं कि ये हमारा जनरली हम लोग लेजी नैरेटिव ले जाते हैं कि हल नहीं ढूंढना जो सबसे आसान चीज़ नजर आई ना उसको कह देना कि यार ये इस फैस हुआ है उसका क्रिकेट की परफॉर्मेंस से क्या ताल्लुक है मुझे कोई एक्सप्लेन कर दे अगर दिन में 10-15 मिनट कोई बंदा सवाल उनका नेक्स्ट 15 क्या है मैं वही कह रहा हूं कि उन्होंने नेक्स्ट 15 बना दी ना

नसीम शाह के आप एग्जांपल ले लें नसीम शाह इमर्जिंग से आए बहुत प्रॉमिनेंट हुए सारा कुछ है कहते उसकी एक सीजन है इन्होंने कहा यार कोई नया बच्चा लाओ ला कहा वो उन्नीस साल का यार वो उन्नीस साल का आप नया बच्चा खेल रहा तो वी नीड टू ऑल्सो रियलाइज आई थिंक वे स्पॉइल्ड एज फार एज यू नो दीज नेम्स का मेरे नैरेटिव नैरेटिव ये ना

ज़ुहेब पूछ रहे हैं हैदर अली को प्लैटिनम कैटेगरी करने का फ़ैसला फ़्रेंचाइज का अपना है या पीसीबी करता है अच्छा जुहेब भाई पहले तो ये कि थैंक यू फॉर आस्किंग अ क्वेश्चन जो हमें डिस्ट्रैक्ट करे फ्रॉम द वर्ल्ड कप क्योंकि हम लोग जरा थोड़े से वी नीड सच आउटलेट्स आप लोगों को थोड़ा सा बताते चलें इस, 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 इस प्रोग्राम की कि कि बदौलत हम आपसे ये वाली बात शेयर करेंगे कि हम पहले भी कह चुके हैं हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है पी की उन इंफॉर्मेशन को रिलीज़ करना जो कॉन्फ़िडेंशियल होती है आ, हमारे हमारी जॉब के साथ तो हम पहले ही हमेशा यू यू लेवर सी अस ब्रेकिंग न्यूज़ अबाउट द पी एस एल यू लेवर सी अस टॉकिंग अबाउट एनी कॉन्ट्रोवर्सी रिलेटेड टू द पी एस एल क्योंकि वह हम बिलीव ये करते हैं कि नैरेटिव खराब हो जाता है ओवरऑल अगर वो प्रॉपर ऑफिशियली इट्स कॉन्फ्लिक्ट और PSL. सारा कुछ हम उसमें नहीं करते तो हम मैंने कहा मैं इससे थोड़ा सा एक तो आप लोगों को ये एक्सप्लेन करता चलो लेकिन क्योंकि आपका सवाल है तो हम कोशिश ये जरूर करते हैं कि साथ साथ फैंस को अवेयरनेस क्रिएट की जाए जो चीजें ऑन द रिकॉर्ड है वो चीजें ऑन द रिकॉर्ड जो चीजें ऑन द रिकॉर्ड है ऑन द रिकॉर्ड है सो पी के अंदर जो कैटेगरी बनती होती है पहले हिस्टोरिकली उसके अंदर ये होता था कि फ्रेंचाइज़ेज़ अपनी वोटिंग करती थी और वो वोटिंग भी फाइनल नहीं होती थी फाइनल डिसीजन पीसीबी के साथ रेस्ट करता था और अब इस वक्त सिचुएशन ये होगी है कि पिछले पिछले दो दो सालों में फ्रेंचाइज़ेज़ ने क्योंकि उसमें सम फेल्ट के मे बी अननेसेसरीली कुछ किस प्लेस टारगेट हो रहे हैं तो नाउ दिस इज़ कंप्लीटली इन द डोमेन एंड द प्रोगेटिव ऑफ द पी टू डिसाइड द कैटेगरीज हम उस पर रिव्यूज़ फ़ाइल करते हैं उस उसमें पी सी बी हमारे केसेज uh, क्लैरिफाई कर दूँ सात साल पी एस एल के ड्राफ्ट में कभी भी जिस फ्रेंचाइज में वो प्लेयर खेल रहा होता है उसकी अपनी फ्रेंचाइज उसकी कैटेगरी नहीं उसकी अपनी कैटेगरी कभी डिसाइड नहीं करती एक तो ये वाली बात प्लस दूसरी बात जो मुझे आ, ये एक फीलिंग है क्योंकि आई नो लोगों ने हैदर का नाम ही उठा कर ये वाली बात की है बट आई थिंक द रिक्वायरमेंट फॉर एटलीस्ट टू हैव वन प्लेटनम प्लेयर Uh, in every it is franchise necessary for everyone to have one Pakistani platinum player. one Pakistani platinum player so that is uh, the reason why probably and because he's in the in the future plans of Pakistan so that's probably the reason why he has been placed in that category uh, I mean I think that's that's a good enough explanation Rayan, yeah? Anything yeah, else I'm 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 let's let's go in let's go for the next tweet अच्छा ये इनका सवाल है कि हम हर दफ़ा जब हमारी टीम हारती है तो हम कोच को कप्तान को चेयरमैन को चेंज करने की बात करते हैं कितना तो, कितने अरसे से हमारे शॉर्ट बॉल के इश्यूज हैं जो साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया टूर में हमें नजर आ रहे हैं ऑन रिकॉर्ड हैं और आ, हम कब रियल सॉल्यूशंस की बात करेंगे कभी भी नहीं क्यों बिकॉज देखें जो नैरेटिव बनता है ना वो बनता है आ, पीपल हु ऑलरेडी लाइक फेमस एंड हु लाइक क्रिएट दी एंटायर थिंग तो बेसिकली कोई सी फैन को मैं कभी ब्लेम करता ही नहीं हूँ बिकॉज दैट इज अगरेटिव दैट इज मीन फेड टू दैम राइट कि जी ये रातों रात आप ए इस प्लेयर को निकाल के इस प्लेयर को टीम में लेके आएंगे तो आप नंबर वन टीम इन द वर्ल्ड बन जाएंगे ठीक है एंड द रीजन दैट दैट नैरेटिव वॉज क्रिएटेड एंड दिस क्रिएटेड इज कि पाकिस्तान जब भी कोई मेजर टूर्नामेंट जीता है तो इट समथिंग लाइक दट हैज़ हैपन ठीक है कि आउट ऑफ नो वेयर बारिश होगी 92 में आप आगे पहुंच गए आपने इंजमाम ने एक फिंटास्टिक 92 के सेमीफाइनल इनिंग्स खेल दिया आउट ऑफ नो वेयर दो में आप वर्ल्ड कप जीते हैं उसके अंदर यू नो एट नंबर थ्री एंडन यू विन दे नन ऑफ दैम इज़ अ लॉन्ग टर्म सोलूशन नन ऑफ देट है नाइनटी टू वर्ल्ड कप के नरेटि बिल्डिंग में यह बात भी करूँगा कि अगर आप उस वक्त की न्यूज़ रिपोर्ट्स वगैरह पढ़ते तो आपको एहसास होता कि पाकिस्तान का प्रिपरेशन फॉर द वर्ल्ड कप रन इन टू वर्ल्ड कप एंड ऑफ वर्ल्ड कप मीडिया में क्रूसिफिकेशन चल रही थी पाकिस्तान की पर थी. वो देखें ना उसके बाद नरेटिव ये क्रिएट हो गया कि जी एक बंदा आएगा सब ठीक फिर आप जीते हैं दो हज़ार uh, सतारह की चैम्पियंस ट्राफी उसमें आपका क्या नरेटिव बनता है कि सडनली फख्र जमान टीम में आते हैं और आप जो है वो जीत जाते हैं बट ये वन ऑफ टॉर्नामेंट या ये इससे अगर आप ये सोचते हैं कि लॉन्ग टर्म सोल्यूशन निकलेंगी और आप अगर आपका रोड मैप इज़ एनी थिंग लेसर देन फाइव ईयर्स और टेन ईयर्स एन यू नेवर गोइंग टू फाइंड सोलूशंस ठीक है इंटरनेशनल क्रिकेट इज़ नॉट फ्रेंचाइज क्रिकेट के जहाँ पे आप एक टूर्नामेंट आएंगे खेलें खत्म कहानी खत्म एक महीना रैप अप गो होम एवरी वन मेक्स दियर मनी एवरी वन इज सटिस इट्स नॉट फ्रेंचाइज क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट इज़ लॉन्ग टर्म जहाँ पे आप वर्ल्ड कप्स मेजर इवेंट्स के लिए प्रिपेयर करते हैं अब उसकी सोल्यूशंस की डिस्कशन सिर्फ तब हो सकती है जब पीपल स्टॉप टॉकिंग अबाउट एवरी सुपरफिशियल थिंग देर इज क्या टॉक अबाउट एक्चुअल क्रिकेट टॉक अबाउट लेट्सोथेटिकली से टॉक अबाउट के क्यों हमारा मिडल ऑर्डर डिवेलप हुआ किस तरह डिवेलप करना है डोंट टॉक अबाउट द फैक्ट कि ओ यार अगर हम इसको मिडल ऑर्डर में रख लेते तो सारी सोल्यूशन हो जाती वो नहीं होती सोल्यूशन बिकॉज वो भी शॉर्ट टर्म था ठीक है फिर उसके बाद क्यों हम अभी तक ये डिस्कस करते हैं कि बैटिंग ऑर्डर फ्लेक्सीबल नहीं हुआ पक्का चार पाँच चाहिए पूरी दुनिया ने चेंज कर लिया हम अभी भी बैठ कर वही बात करते हैं जो आज से बीस साल पहले होती थी हमारे नरेटिव आर मेन स्ट्रीम नरेटिव आर ट्वेंटी ईयर्स ओल्ड हाउ डू यू एक्सपेक्ट विद दो नरेटिव टू चेंज एनी थिंग अगले ट्वीट की तरफ चलते हैं आई एम नॉट गोइंग टू टू मच इट अगला ट्वीट जो है उसमें जैन हैं क्या हमें डिफरेंट टैक्टिक्स को खेलने के साथ खेलना चाहिए डिफरेंट कंडीशन में जैसा कि अगर आप सेटल डाउन करना चाह रहे हैं और स्टार्ट करना चाह रहे हैं गोबेक इन द लेटेस्ट स्टेजेस इन यू